यहाँ पे ये लेडीज है ना अपने लिए कॉफी बना रही है, हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कॉफी बना रही है। और इस तरफ ये इसके बच्चे हैं और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। इनका आप देखिए ये सुबह का नाश्ता तैयार, और बाकी ये रोटी छोटी नहीं खाते, सुबह का नाश्ता ही ये लोग करते हैं। ये देखें, और इस तरह ये बच्चा कॉफी पी रहा है जी। इसने अपने सार के ऊपर देखें ये रखा हुआ है, ये खूबसूरती के लिए रखते हैं। ये कोला से जो ना इसको उतारो, ये फिर रख ला, बहुत ज्यादा धुआं यहाँ पे आ रहा है। सुना व्हाट्स योर नेम, योर नेम नहीं समझ आ रही। और ये देखें इसमें से भी कुछ ये निकालेंगे, पता नहीं क्या चीज़ निकालेगी ये, इसके अंदर स्टोर की हुई है कॉफ़ी है यहाँ पे, ये लोकल कॉफ़ी ठीक है। इस टीके से यहाँ पे ये इसको स्टोर कर लेती है। एक बर्तन होता है ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये कालाबाशू, ओ उसके नीचे गिर गया। कालाबाशू यहाँ पे एक सब्जी है, इसके अंदर जो लोग ना अपना उसमें से गुदा वगैरह निकाल के उसके अंदर जो भी चीज़ वगैरह होती है, नमक हो गया, मिर्ची हो गई, यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। और यहाँ पे ये देखे लकड़ियाँ जलाने के लिए भी, अभी ये जो बुत्ता इसे कहते हैं ना गुटका, वो यूज़ करी छल्ली का जो होता है बालन के तौर पर आग जलाने के लिए। इस तरफ इनका ये ओपन किचन है, और मेरे बैक साइड पे ये इनका इस तरफ ये बेडरूम है। बहुत सादा से लोग हैं यार, बहुत सादा से। देखिए अब यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा मकई गिर गई थी, अब उसको यहाँ पे इकट्ठा कर रही है। इस तरफ इन लोगों की ये चार दीवारी बनी हुई है। इस बंदे की भाईजान दो वाइफ हैं, टू वाइफ बड़े ही खुश हैं। इसकी ये दूसरी वाइफ है और ये इसकी पहली वाइफ है, लेकिन खुश हैं। इसमें से अभी इसको कोई बच्चा नहीं है, और इसके जनाबे लिए तीन बच्चे हैं, जिसके तीन छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट। अच्छा यहाँ पे बच्चों की भाईजान इतनी ज्यादा केयर नहीं की जाती जितनी हमारे यहाँ लोग केयर करते हैं, बच्चे फिर भी वहाँ पे बीमार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों की केयर नहीं करते, ऐसे ही फिर रहे होते हैं। ना इनको गर्मी का पता है ना सर्दी का पता है, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त होते हैं। और हमारे बच्चों को जनाब सर्दी में गर्म कपड़े और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं हमारे बच्चों को, और गर्मियों में जनाब उनको एसी के अंदर रखा जाता है, पंखे चलाए जाते हैं, बच्चे बीमार ना हो, लेकिन फिर भी वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं। इनके बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, और खाने पीने के लिए भी इनको इतना कुछ खास मिलता नहीं है। बाकी यहाँ पे ये कॉफ़ी शॉफी बना रहे हैं। इस तरफ ये इनका बेडरूम है जी, कुछ ऐसा है जी अंदर से। अच्छा ये जो ना ये हर बंदे के पास होती है, अपनी हिफाजत के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इससे चारा वगैरह काट के लेके आते हैं जानवरों का। इस तरफ ये इनका बेडरूम है, यहाँ पे इन लोगों ने अपना नाश्ता वगैरह रखा हुआ है। कॉफ़ी के साथ जो है ना ये मेरे ख्याल में अट्टा वगैरह खाते हैं। इसका ये जो ज्वार यहाँ पे रखी हुई है, तो ज्वार का अट्टा बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि ज्वार को पहले आग के ऊपर रख के उसको भुना जाता है, जैसे चने नहीं भुने जाते, और उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के लिए भी यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई वो सिस्टम नहीं जदीद चक्की वाला, इस तरह का यहाँ पे जी लोग रहते हैं। बाकी खुशियाँ, बाकी कोई भी आपने पूछना है सवाल तो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, आपका भाई वहाँ पे हाजिर है, आपको हर सवाल का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा।